हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसान की स्टोरी बताऊंगी जिन्होंने अपने बचपन में स्कूल से आने के बाद वो स्ट्रीट पर हेयर कट करने जाते थे और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए और आज वो एक्चुअली सक्सेसफुल है। तो हम उनकी स्टोरी जानेंगे और उनका नाम है रमेश सोलंकी और वो एक अपना प्रोफेशनल हेयर सलोन भी ओन करते हैं भाईंदर में, विच इज़ इन मुंबई। सो लेट्स सी कि उनकी स्टोरी क्या थी। हाय एवरीवन, मेरा नाम रमेश सोलंकी है। आई एम फ्रॉम द पर्ल सलोन एंड एकेडमी और मैंने बहुत साल से ट्रेनिंग ले रहा हूँ और ट्रेनिंग दे भी रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने लॉरियल से डिप्लोमा मेरा कंप्लीट किया। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कब ऑन हुए, आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई। जनरली मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा बॉर्न है बसई ईस्ट में, कामन एक विलेज है वहाँ पर हुआ। गवर्नमेंट स्कूल में मेरा एजुकेशन हुआ और बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं हुआ और एसएससी तक मैंने एजुकेशन लिया है। वहीं से ही शुरुआत हुई थी मेरी इनिशियल लेवल की जो लाइफ है। बॉर्न हुआ वहाँ पर, हमने खेले कूदे बड़े हुए वहीं पर, देन फिर हम लोग आगे बढ़े। तो मतलब आपको इस फील्ड में आने की इसी कब सोच आई कि मुझे इस फील्ड में आना है, पूरा हेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें करनी है, लॉरियल का डिप्लोमा करना है, ये सारी चीज़ें कैसे आपको पता चली। एक्चुअली ये मेरा फैमिली बिजनेस भी है और हमारे फादर, वो जो मैंने अभी बताया कि मेरा वसई ईस्ट में कामन विलेज है वहाँ पर मेरे डैडी किया करते थे, तब मुझे इस फील्ड से इतना इंटरेस्ट या इतना प्यार नहीं था क्योंकि वो एक उस दौर का अलग लेवल का हैकर से इन्वॉल्व होता था, तो उतना मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था करने के लिए। एंड फिर भी वो एक जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, जैसे वकील का बेटा वकील बनता है, वैसे मेरे फादर भी हेयरड्रेसर थे, तो उसी लिहाज पे मैं भी उनके साथ बहुत कम एज में ही उनके साथ उनको हेल्प करने के लिए स्टार्ट कर दिया था मैंने। अप्रोक्स मेरे ख्याल से मैं जब 13 ईयर्स का रहूँगा तब मैंने वो फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था और वहीं से फिर वो हमारी पुरानी सी शॉप के अंदर मैं शेव करता था और हेयरकट वगैरह कर रहा था। इनिशियल लेवल पे वैसे ही था बट ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इसको कभी प्रोफेशनली करूँगा। उसके बाद जब हम लोग थोड़ा सा बड़े हुए और उस विलेज से थोड़ा बाहर निकले, लोगों के साथ इंट्रोडक्शन किया, कुछ और जानने की कोशिश की, उसके बाद जब पता चला कि इस फील्ड में, जैसे हर फील्ड में दो पार्ट होते हैं, एक अच्छा होता है एक बहुत अच्छा होता है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि किसी भी फील्ड के लिए कोई भी पार्ट बुरा होता है, तो एक अच्छा होता है एक बहुत 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 अच्छा होता है। तो इस फील्ड के बारे में मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें समझी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इसे धीरे धीरे करते गया और इसको मैंने अपना पैशन बना लिया, पैशन से फिर मैं इसको प्रोफेशन में आ गया। मैंने जब स्टार्ट किया था तब फैमिली बैकग्राउंड बोलो या फिर फाइनेंशियली उतना फ्रीडम नहीं हुआ करता था। जब मुझे इस चीज के बारे में पता चला, देखो मैं जानता हूँ कि जब आज से 25 साल पहले 30 साल पहले एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का, इनफैक्ट ऑल ओवर द इंडिया अगर हम देखेंगे तो उतना ग्रोथ नहीं था। फाइनेंशियल हर एक लेवल पे फ्रीडम नहीं था। जो लास्ट 10-15 ईयर्स 20 ईयर्स में जो इंडिया की इकोनॉमी में चेंजेस आए, लोगों के पास पैसे आने लगे, उसी में से मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो उतना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होने की वजह से जो मुझे बड़े बड़े कोर्सेज मुझे जो करने थे जिसके बारे में मैंने समझा था वो मैं इनिशियल लेवल पर नहीं कर पाया था। एंड वहीं पर मैं अपना फादर के साथ करता रहता था। फिर उसके बाद मैंने एक अच्छी सी शॉप में जॉब किया, थोड़े से पैसे मैंने अर्न किए, कुछ वक्त उनके साथ बिताया, तो थोड़ा सा मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। थॉट प्रोसेस चेंज होने से पता चला कि हाउ टू थिंक, हाउ टू इम्प्लीमेंट, वो सारा चीज़ मुझे पता चलने लगा। फिर धीरे 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 मैंने इसके अंदर और डीपली कोर्सेज किए और ज़्यादा सेमिनार्स अटेंड किए और सीखते चला गया। फिर एक मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि आपको अगर कुछ भी करना है तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। जो चीज़ आपको नहीं आती इसका मतलब है कि वो नहीं आती है। तो बहुत बचपन से ही मुझे था कि मुझे कुछ अच्छा करना है, बहुत बढ़िया करना है, तो एक आदत सी बन गई थी कि हमेशा कुछ नई चीज़ों को सीखना है। सीखने के लिए मैंने बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, सेमिनार अटेंड किए, अलग अलग लोगों से मिला, तो मुझे पता चला कि हर चीज़ के पीछे आपका एक जुनून होना चाहिए, आपको सीखने की चाहत होनी चाहिए, तो वो चाहत बनती रही। मैंने जॉब के बाद मैंने अपना खुद का ओन सलोन स्टार्ट किया 2008 में। वो एक छोटा सा सलोन था, 3 चेयर्स थी उसके अंदर,
भाईंदर में स्टार्ट किया था, भाईंदर वैश में 150 रोड पर, वो 2008 में स्टार्ट किया था। उसके बाद 2010 में हमने अगेन थोड़ा सा बड़ा शॉप लिया, उसमें हमने अच्छा वर्क बिताया। करीबन 2010 से 2016 तक 6 साल हमने उसमें काम किया। 6 साल के बाद में हम जहाँ पर आज सुबह हमने आपका हेयरकट किया, वहाँ पर हम आए 2016 में। खुद की शॉप आपने फाइनली 2016 में मेरा एक सपना पूरा हुआ कि मैंने जब जॉब करता था तब मैंने सोचा था कि मेरा पार्लर एकदम A1 और लग्जरियस होगा, जो थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू मेरे वेलविशर्स, जिनकी वजह से ये हो पाया। और मैंने वो 2016 में वो मेरा एक गोल अचीव किया, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो सपना देखा था कि मेरा जो सलून होगा वो एक लग्जरियस सलून होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा, उसको मैंने बहुत प्यार से बनाया, मुझे बहुत मज़ा आया। आज मैं उसके अंदर जब अपना काम करता हूँ, हेयर ड्रेसिंग करता हूँ, स्टाइलिंग करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ को पाकर। और जैसे मैं बोलता हूँ कि हमेशा ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर चीज़ को सीखने के लिए। हमें इनिशियल लेवल पे इतना एजुकेशन नहीं था, इतना वो फ्रीडम नहीं था, तो हम एजुकेशन के लिए हमने बहुत मेहनत की, बहुत राइट जगह पर जाने के लिए, बिकॉज ये फील्ड इतनी बड़ी है। आप देखोगे तो हर सलून के बोर्ड के बाहर एक लिखा रहता है फला सलून एंड अकेडमी, फला सलून एंड अकेडमी। अकेडमी का बेसिकली उनको ये भी पता नहीं होता है कि व्हाट इज़ द अकेडमी। तो हमने भी ऐसी गलत जगह पर बहुत बार पैसे इन्वेस्ट किए, हमने ट्रेनिंग के फिर हम आ गए, हमको कुछ हासिल नहीं हुआ। बट वो एक पार्ट है लाइफ का, जब आपको आपसे गलती होती है तो आपको समझ में आता है कि व्हाट इज़ द राइट मार्केट, व्हाट इज़ द रॉन्ग मार्केट। तो उससे पता चला कि ये सारा चीज़ है। फिर हमने एक कोशिश की कि हम जो हमारी तरह है जिनको कुछ सीखना है, तो हमने एक अकेडमी स्टार्ट की। अब हमने फाइनली ये बड़ा सा एक एकेडमी के प्रॉपर एकेडमिक एनवायरनमेंट सेटअप किया है, और यहाँ पर अभी हम एकेडमी फाइनली स्टार्ट भी कर रहे हैं। आई मीन स्टार्ट है, और लास्ट कुछ बैचेस स्टार्ट हो गए इसमें, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी, और आई एम सो हैप्पी, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर हिम। क्योंकि लाइफ में लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ें करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हमने तो आपकी स्टोरी पूरी देखी है, मतलब आपके पेरेंट्स, आपका पुराना घर, मतलब कैसा था वो, फिर अभी आपका खुद का घर, खुद की शॉप, तो वो ट्रांजिशन जो है वो लाना इजी नहीं होता किसी की लाइफ में, और उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, और आपने इतनी मेहनत की। जी सही कहा मुझे आपने कि हर चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे याद है कि मैं 9th में था, तो उस टाइम पे कुछ फैमिली में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, एंड थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होने की वजह से मुझे उस लेवल पे भी काम करना पड़ा था। तो उस टाइम पे जैसे ये जो आप लोग कहते हैं धोपछा फेरी करना जिसको कहते हैं, एक अपने धोपटी जिसको बोलते हैं, उस धोपटी के अंदर अपने सीजर, कोम, जो भी हेयर कटिंग का सामान होता था वो उसके अंदर हमारा टूल किट, मैंने उस जहाँ पर मैं रहता था उस एरिया में आजू बाजू में मैंने काफ़ी वो एक साल मैंने वो भी किया था। तो स्टार्ट मेरा वहाँ से हुआ था, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। आपके अंदर अगर जिद है तो आप चाहे कितने भी नीचे से आ जाओ, लेकिन अगर आप ऊपर जाना चाहते हो और आपका नियत और नीति अगर साफ है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। Exactly. 1998-1999 का स्टोरी है ये। सैटरडे स्कूल सैटरडे को हाफ डे होता था, और संडे को फुल डे ऑफ रहता था। तो मेरा फिक्स था सैटरडे हाफ डे के बाद जाना है, और संडे मॉर्निंग से लेके पूरा दिन कुछ खेलने वगैरह कुछ नहीं। हाँ वो कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन वो सारी जो चीज़ें पीछे छूट गई वो उसकी मज़े आज मुझे मिल रहे हैं। मैं आज संडे के दिन भी छुट्टी कर सकता हूँ, आज मैं मंडे के दिन भी छुट्टी कर सकता हूँ। तो जो मैंने उस टाइम पे खोया है आज मैं उससे दुगना तिगना पा भी रहा हूँ। काम कोई भी छोटा नहीं होता, और आपने उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखी रही जो आपने वो काम किया है उससे। जी It always adds into your personality. Yes, yes. अलग-अलग लोगों से मिले। उससे ये जरूर फर्क पड़ा है कि उस दौर की वजह से मुझे लोगों की रिस्पेक्ट नेचुरली मेरे अंदर आने लगी। मेरे पास चाहे सेल्स पर्सन आए, चाहे मेरे पास कोई हाउसकीपिंग वाला बंदा काम कर रहा है, मतलब अभी लग्जरी सलून में अंदर हर एक जन इतना अफोर्डेबल नहीं होता है, लेकिन कोई उले मिट के भी आता है और पूछता है मुझे कि कितना चार्ज करते हो एंड ऑल, तो मैं उसको रिस्पेक्टफुली आंसर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं आपका नहीं होगा एंड ऑल, ऐसा नहीं। अगर इनफैक्ट उनके पास पैसे नहीं होते तो मैं उनका भी सर्विस करने में खुशी महसूस करता हूँ, बिकॉज आपके पास आपका पास भी वैसे मेरा पास था। मुझे समझ में आ रहा है कि हर एक को रिस्पेक्ट होनी बहुत जरूरी है, उससे आपका ह्यूमन बीइंग इंटरनली वो लाइव रहता है, जिंदा रहता है। बचपन में भी अपने को कहा जाता है कि आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा,
तो मैं यही चाहता हूँ कि सबको एक अच्छा रिस्पेक्ट मिले, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस आपके अंदर आग कितनी लगी है, आप ऊपर कितना जाना चाहते हो, आप ऑनेस्ट कितना हो, आप मेहनत कितना करते हो, तो उससे आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी नियत और नीति ये दोनों साफ होनी चाहिए। लाइफ में बहुत सारी चीज उतार चढ़ाव से भरे हुए होते हैं और आपको हार नहीं माननी। आपका एजुकेशन कम होगा फिर भी आपको सक्सेस मिलेगी, आपका हार्ड वर्क है आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। कुछ सालों पहले जब मैंने 2008 की बात कर रहा हूँ, तो एक बंदा था जिसके साथ हम लोग साथ में जॉब करते थे। 2008 से पहले हम साथ में जॉब करते थे। 2008 में मैंने सलॉन चालू कर दिया। 2009 या 2010 में वो कहीं और दूसरी जगह जॉब कर रहा था, तो उसने कुछ नया चीज़ सीख लिया था। पहले मेरे साथ जब जॉब करता था तब मैं सीनियर हुआ करता था। उसके बाद में उसने कुछ अच्छी चीज़ें सीख ली और उसका स्केल बहुत अच्छा हो गया। तो जब हम वापस मिले तो वो उसको मैंने गुरु बना लिया कि भाई तू मुझे बता तूने कैसे सीखा, कैसे किया। तो मैंने उसको एक रिस्पेक्ट दी, क्योंकि आपको जहाँ से भी सीखने मिलता है आपको सीखना चाहिए, चाहे वो छोटे इंसान से मिलता है, बड़े इंसान से मिलता है, सेलिब्रिटी से मिलता है, या फिर कोई कॉमन पर्सन से मिलता है। आपको ज्ञान बढ़ रहा है, आप ज्ञान लेना चाहते हो या अदर चीज लेना चाहते हो, तो ज्ञान लीजिए, हमेशा ज्ञान लीजिए और सीखने की चाहत रखिए। जो लोग भी सोचते हैं कि उनके पास पैसों की कमी है या कोई चीज की कमी है, तो आप कभी भी ऐसा सोचिए मत और बस आगे के बारे में सोचिए और हमेशा मेहनत करते रहिए। ये आपकी कहानी से मुझे भी एक सीख मिली है कि हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये फिनिशिंग लाइन है, कि इसके आगे नहीं सीखना है। मतलब ऑन अ डेली बेसिस हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो आपके पेरेंट्स, उनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल था, तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि उनका बेटा इतना अच्छा कर रहा है। मुझे कुछ कुछ चीजें याद आती है जब मेरे फादर्स कभी कभी रिसेप्शन पे बैठते हैं और कोई पहचान वाला पर्सन आ जाता है, तब उनको ऐसे बोलते हैं कि आपका बेटा बहुत होशियार है, आपका बेटा बहुत हुनर है। वो उस वक्त अपने अंदर एक फीलिंग जो आती है वो बहुत सुकून वाली फीलिंग आती है, एक सेटिस्फेक्शन वाली एक फीलिंग आती है। आपका जो लॉयल का डिप्लोमा है वो आपने कब किया, मतलब और कहाँ से ऐसे किया? लॉरियल का डिप्लोमा अभी रिसेंटली 2017 में कंप्लीट किया, 18 में मैंने कंप्लीट किया था। लोअर परेल से मैंने उसको कंप्लीट किया था। और उसके अलावा भी लॉरियल के डिप्लोमा के अलावा भी मेरा अलग अलग कंपनियों के पास मैंने ट्रेनिंग ली है। मैंने वेला से ट्रेनिंग ली है, फिर मैंने सॉस्कॉप से ट्रेनिंग ली है। तो आपको जहाँ से भी देखो, क्रिकेट में भी कहा गया है कि आपके पास आपको ज्ञान बढ़ रहा है, आप कहाँ से ले सकते हो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप में से किसी को इनकी एकेडमी में ज्वाइन होना है या आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हम लोग सीखने में और ऑनेस्ट रहने में बहुत, बिकॉज हम खुद एक निचले लेवल से आ रहे हैं, ग्राउंड से आ रहे हैं, तो हमको पता है कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर मनी, व्हाट इज द वैल्यू फॉर टाइमिंग। मेरी एक स्टूडेंट थी पास में, उससे पहले वो मेरी क्लाइंट हुआ करती थी, तो यहीं से महाराष्ट्र से उनकी शादी हो गई, तो वो केन्या चली गई। केन्या में उनको लगा कि यहाँ पर हेयरड्रेसिंग का बहुत अच्छा एक अच्छा है, तो वो मुझे केन्या से फ़ोन करती है कि सर मुझे आपके पास हेयर कटिंग सीखना है। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए, मैं सिखा दूंगा। उन्होंने कभी सीजर नहीं पकड़ी थी, कुछ भी नहीं किया था। फिर वो यहाँ आए, 3 महीने उन्होंने ट्रेनिंग ली एंड चले गए वापस। और सडनली एक तो 5 महीने के बाद में उनका कॉल आता है एंड शी सेज सर आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच, यहाँ पर पूरा मेरे पूरे लोकेशन में सिर्फ मेरा ही नाम हो रहा है, मेरा ही नाम हो रहा है। तो वैसा कुछ इंसिडेंट होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हैप्पी फील होता है। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम राइट डायरेक्शन में हैं और अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, कोई दुबई चला गया है, कोई केन्या चला गया है, कोई गुजरात में है, कोई राजस्थान में है। नासिक के 2 बंदे थे, पूना की बंदी थी, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मुझे इनकी स्टोरी आपको बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आप में से कोई भी लोग ऐसा कुछ सोच रहे हो तो इम्प्लीमेंट करो और लाइफ में सीखते रहो, और ये स्टोरी शायद आपको थोड़ा सा इंस्पायर करेगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनसे बात करके आपको थोड़ा शेयर करूं। तो इसी पॉइंट पे हम हमारा इंटरव्यू बंद करते हैं। ओके, पूजा को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट।